हाय टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ पल्स 24x7। हमारे गुलबर्गा की एक जानी मानी हस्ती है जिन्हें सब जानते हैं, आजम पटेल साहब के नाम से, जो वार्ड नंबर 9 में जिस तरीके से काम वो करते हैं, शायद ही कोई वार्ड में ऐसा काम हो रहा है गुलबर्गा में। और जो आधार कार्ड का आजकल चलन चला है गुलबर्गा में, आधार कार्ड से जो लिंक कर रहे हैं वोटर आईडी को, इसकी शुरुआत भी जो है ना वार्ड नंबर 9 आजम पटेल द्वारा शुरू की गई है। तो इस बारे में ब्रीफली आप ऑडियंस को बताइए गुलबर्गा के कैसे शुरू हुआ ये सब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैंने वार्ड नंबर 9 के अंदर कमिश्नर साहब से बात करने के बाद हमारे कॉम्प्लेंट्स कॉरपोरेशन के एप्लायंस फ़ोन किए, पटेल साहब आपको ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह पूरा कॉरपोरेशन का सपोर्ट मेरे साथ में रहा और मैंने फर्स्ट ही दिन 4 कैंप डाला, जिसके अंदर रहमान मस्जिद कमेटी पूरा मेरे को हेल्प किए और मस्जिद के सदर साहब, नायब सदर साहब, पूरे कमेटी के लोग डोर टू डोर जाकर कि भाई आपको आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। पूरे मेरे महल्ले के मेरे साथीदार बड़े बुज़ुर्ग इतना हेल्प किए मुझे, आप मीडिया पे दूसरे चैनल पे देख चुके हैं और इस चैनल पे भी आप देखेंगे, तो हर घर से हमने कलेक्ट किया। जब मस्जिद की रहमान मस्जिद की बात हो रही है तो ऐसा हमारी जानकारी है कि जो गार्डन का फंड था वो कैंसिल हुआ, उसके कारण क्या है जो कैंसिल हुआ? देखिए वो फंड मैंने SFC ग्रैंड फंड में 41 लाख का टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। वो टेंडर होने के बाद ये कॉरपोरेशन के लोग जब मालूम पड़ा मेरे को ये फंड कैंसिल हुआ बोल के, तो मैंने यहाँ के MLA और MP को बात किया, MP साहब से भी बात किया, मैं भाई मेरा फंड क्यों कैंसिल कर रहे हैं आप? अगर आप फंड अगर नॉर्थ का अगर कैंसिल कर रहे हैं, साउथ का भी कैंसिल करो, क्यों साउथ में क्या टेंडर नहीं हो चुके? ये फंड के टेंडर साउथ में भी हुए हैं और नॉर्थ में भी हुए हैं और काफ़ी अवाम हमारी नाराज़ है वहाँ पे। वार्ड नंबर लोगों के लोग, पूरे कमेटी के लोग, पूरे एरिया के लोग, भाई फंड टेंडर होने के बाद कैंसिल नहीं होना। और कमिश्नर साहब से भी हमने बातचीत किया, असगर चुरबुल साहब, वहाद बाबा साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब, इस तालुक से इंशाल्लाह ताला हम ये फंड को तो छोड़ेंगे नहीं। पूरे एरिया के लोग कमिश्नर साहब के पास बैठकर, जैसा भी आप कौन से फंड में देते हैं हमको नहीं मालूम, गार्डन का फंड हमको वापस होना, हमारे एरिया के लोग का डिमांड है और पूरे लोग हमको सपोर्ट करेंगे। ओके, हम होप करते हैं कि आपकी जो भी जायज़ मुराद है मस्जिद रिलेटेड वो पूरी हो जाए। और गुलबर्गा की आवाम की खिदमत करने के लिए पल्स 24x7 सलाम करता है आपको। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।